ऐसे आप परिवारवाद को लेकर जातिवाद को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। सापरा जी रुक जाइए, सापरा जी शायद आपको ये बात अच्छी लग जाएगी, सुन लीजिए। सिक्योरिटी से वंचित, लेकिन सच्चाई है सुधांशु जी, आपकी भी लिस्ट बहुत छोटी नहीं है, वो भी उतनी लंबी है जितनी कांग्रेस की है। गुरुवीर सिंह बरार से लेकर राम स्वरूप लांबा के जो बेटे है ना, उन तक की फहरिस्त है हमारे पास, तो आप उन पर सवाल उठा रहे हैं तो समझ लीजिए चार उंगलियां आप पर उठ रही है। की चर्चा नहीं, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए सापरा जी, आपको फर्क नहीं है, आपको केवल कांग्रेस, ठीक है सापरा जी रुक जाइए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए सापरा जी लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, जनता की पीड़ा नहीं देखनी आपने। अच्छा मैं एक वाक्य में जवाब दे देता हूँ, पीड़ा पर ला रहा हूँ, मैं एक वाक्य में जवाब दे देता हूँ, सारा उत्तर साफ हो जाएगा। देखिए राहुल, मैं अनर्गल में एक वाक्य कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी आज अध्यक्ष हैं, चार 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 या बिल्कुल तय मानिए प्रीति जी, 20 साल बाद भी राहुल गांधी जी अध्यक्ष होंगे कि नहीं। अमित शाह जी आज अध्यक्ष हैं, आप मुझे आप कह सकते हैं 20 साल बाद भी अध्यक्ष होंगे अमित शाह जी के बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, नाम बताइए, आप नहीं बता सकते, पार्टी की प्रक्रिया से आएगा, उसमें से केवल जैसे राजनाथ जी के बाद अमित शाह जी बने, उसी में आप नितिन गडकरी जी बने, मगर यहां पता है कितनी कहानी कि ये अध्यक्ष है उसके बाद आजीवन रहेगा शी जिनपिंग मॉडल की तरह, जिंदगी एक अध्यक्ष रहेगा उसके बाद ये बनेगा, ये होता परिवार बता दीजिए ना सवा करोड़। अगर आप हमसे अनर्गल बात ये होती है सापरा जी, देखिए अगर आप लगातार बोलते हैं तो सिद्ध हो जाता है कि आप अनर्गल बात कर रहे हैं। 2030 में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे या नहीं, बोलिए हाँ या ना। आप यही घिसे पिटे बातें, 2030 में बातें ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे या नहीं, बोलिए हाँ या ना, और बता दीजिए 2030 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा। मुझे बस जवाब मिल गया।